नमस्कार दोस्तों, मैं दशरथ सिंह अपने YouTube चैनल कल्पना करो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अब आप लोग कूलर के बराबर बिजली के खर्च में AC का मजा लीजिए। सैमसंग ने लॉन्च कर दिया ट्रिपल इन्वर्टर AC, जो कूलर के बराबर बिजली के खर्च में आपको AC का मजा देता है। ये AC पहले 1 घंटे में 1 यूनिट बिजली की खपत करता है और आपका रूम ठंडा होने के बाद वो बिजली के बिल को आधा कर देता है, तो ये आपकी बिजली की खपत कम कर देगा और आपको कूलर के बराबर के बिजली के खर्च में ये आपको AC रूम ठंडा करके देगा। तो आइए इसके फीचर के बारे में जान लेते हैं कि सैमसंग ने इसमें क्या क्या फीचर दिए हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैमसंग का स्प्लिट AC डिजिटल इन्वर्टर यानी ट्रिपल इन्वर्टर AC। ये सैमसंग का ट्रिपल इन्वर्टर AC है। तो इसका मॉडल की बात करें तो AR18RV3H@FWKX ये इसका मॉडल नंबर है 2019। इसकी कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो 500 वाट से 2500 वाट तक है और इसमें पावर सप्लाई की बात करें तो 230 वाट से 50 HZ तक। करंट की बात करें तो 7.5 एम्पियर का करंट लेता है और पावर ये 1700 वाट लेता है। रेफ्रिजरेंट की बात करें तो R410A गैस 1150 ग्राम गैस इसमें इस्तेमाल की गई है और इसका पर ईयर यूनिट जो खर्च करता है तो 1076.36 यूनिट पर ईयर ये बिजली आपकी खपत करता है। अगर इसके फीचर की बात करें तो ये AC विंड फ्री एयर कंडीशनर है। वैसे AC की डायरेक्ट हवा तो नुकसानदेह होती है, तो सैमसंग ने इस पर काफ़ी टेक्नोलॉजी लाई और काफ़ी काम किया है जिससे आप इसके फ्लैप को बंद कर सकते हैं तो आपको डायरेक्टली हवा नहीं लगेगी और कूलिंग बराबर होती रहेगी। तो इसमें ट्रिपल इन्वर्टर विद 8 पोल मोटर एक फीचर है। ये दोस्तों दूसरी ब्रांड की AC में मोटर के 6 होल होते हैं, लेकिन सैमसंग ने इसमें 8 होल बना कर दिए हैं जिससे अच्छी कूलिंग के साथ साथ 50% तक की आपकी बिजली भी बचाता है और 54 डिग्री सेल्सियस तक आराम से काम करता है। आगे बात करें कन्वर्टेबल मोड, जैसे कि बरसात में आपको फास्ट कूलिंग नहीं चाहिए या मौसम कम गर्म है तो आप रूम में अकेले हैं तो आप 1.5 टन के AC को 1 टन में कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्टेबल बटन दबाकर। इसमें एक फीचर और भी स्मार्ट इंसुलेशन। दोस्तों, इसमें AC 3 चीज़ों को चेक करता है, इंडोर तथा आउटडोर के कनेक्शन को तथा रेफ्रिजरेशन फ्लो तथा गैस को चेक करता है। यदि कोई कमी होगी तो आपके डिस्प्ले पर 99 लिखा नहीं आएगा तो आप समझ सकते हैं कि आपको सर्विस की ज़रूरत है आपकी AC को, तो आप सर्विस करवा सकते हैं। तो इसमें फास्ट बात करें फास्ट कूल की, तो ज़्यादा आपको तथा जल्दी कूलिंग चाहिए तो आपको फास्ट कूलिंग ऑन करके कर सकते हैं। इसमें आपका AC फुल स्पीड में काम करेगा और तो आपको जल्दी कूलिंग करेगा। ट्रिपल प्रोटेक्टर प्लस, इसमें एक फीचर और भी है ट्रिपल प्रोटेक्टर प्लस। दोस्तों, ये AC 145 से लेकर 290 वोल्ट तक आसानी से काम करता है, तो इसलिए इसमें अगर आपके यहाँ लाइट कम है तो स्टेबलाइजर की आवश्यकता नहीं है। आगे बात करें ड्यूराफिन कंडेंसर। दोस्तों, इसमें ड्यूराफिन कंडेंसर का इस्तेमाल किया गया है जो दूसरी कंपनियों से ये कंडेंसर थोड़ा मोटा है, तो इसलिए आपको अच्छी कूलिंग के साथ साथ जल्दी कूलिंग भी करता है। बात करें 4-वे स्विंग की, जो आपके AC में फ्लैप होते हैं ये इसमें चारों तरफ घूमते हैं जो आपको पूरे रूम में चारों तरफ हवा देंगे। और इसमें बात करें गैस की, तो इसमें R410A गैस इसमें इस्तेमाल की गई है। ये गैस हाई प्रेशर गैस है और इको फ्रेंडली गैस है और ये गैस 2 गैसों को मिलाकर बनाते हैं जिसमें R125 तथा R32, ये दोनों गैस को आप मिलाएंगे तो R410A गैस तैयार होती है।
अगर बात करें वारंटी की तो इसकी टोटल 1 साल की वारंटी है और इसमें कंडेंसर की वारंटी आपको 2 साल मिल जाती है और कंप्रेसर की वारंटी पूरे 10 साल की मिलती है। तो दोस्तों ये मार्केट में अभी 35,000 रुपये का मार्केट में अवेलेबल है, तो आप 35,000 रुपये का एसी ये ले सकते हैं। ये स्प्लिट एसी इन्वर्टर एसी है। तो लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि हम स्प्लिट एसी लें कि या इन्वर्टर एसी लें या विंडो एसी लें। तो यदि आपके घर में विंडो नहीं है तो आपको स्प्लिट एसी ही लेनी पड़ेगी। यदि आपके घर में विंडो है तो आप विंडो एसी ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।